शेयर करें, शेयर करें ये। जल्दी से आओ, मैं तुम्हें चीज दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी आओ। भाई फाइनली यहाँ पर है ना यखनी बना दिए। तो नबील भाई जी भाई सबसे ज्यादा मेहनत है, जो कहते हैं ना कि जो प्रोग्राम की जान है तो हमारे नबील भाई है, तो इनकी बदौलत ही ये प्रोग्राम दे पाया। और यही जगह जो है ना बताने वाली जगह जो मैंने आपको आखिरी बताऊंगा, और इस जगह को ऊपर ले जाने वाले भी हमारे नबील भाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह देख रहे हो कितनी खतरनाक। ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे अरे ये रहे। माशाल्लाह से हमारे दादू जान मेहनत कर रहे हैं कि मछलियाँ पकड़ी जाए, लेकिन अस्सलामुअलैकुम। तो भाई सुबह के 6 बजे है और हम जाने वाले हैं गडानी के सीक्रेट पॉइंट में। तो भाई वो पॉइंट बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि हम वहाँ पर सालों पहले गए थे और अब बहुत साल बाद वहाँ पर जाने वाले हैं, और मौसम बहुत हसीन हो रहा है क्योंकि यार आपको पता है कराची में बारिश चल रही है और हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं। तो आप जगह देख सकते हैं, बड़ी हसीन जगह है ये। तो वहां पर जाते ही हमें सबसे पहले पुलाव की सेटिंग करी, क्योंकि पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले चावल को भिगोना था पानी के अंदर, और वो हमने सबसे पहले है गडानी का वो पॉइंट जो किसी ने नहीं दिखाया हुआ अभी तक, क्योंकि यार ये जो पॉइंट है ना बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। यहाँ पर आप कितने आगे चले हो लेकिन डूबने का कोई सीन नहीं है, और मैंने अभी आपको दिखाया होगा वीडियो में, अगर नहीं दिखाया तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह वीडियो में। वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं जबरदस्त किस्म का पुलाव। पुलाव के बाद हम बनाएंगे पकौड़े, उसके बाद बनाएंगे चाय। तो ये बहुत सारी तफरीह है, तफरीह मिस ना हो जाए, वीडियो को पूरा देखिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को भी मजा आएगा। और इस जगह ऐसी है ना, आप यकीन करें, आप कमेंट करके लाजमी पूछेंगे कि यार उधर भाई ये जगह है कौन सी। तो ये है पुदीना, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे बड़े बड़े शेप आए हुए। ये है कड़ी पत्ता। तो आज हम बनाने वाले हैं पुलाव, सब चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम आलू ये पुलाव में ही डलेगा, ये बनेगा पकौड़ों में। और ये प्याज है, और ये इमाम दस्ता है। टमाटर वाले ने हमारे साथ कर दिया सीन, उसकी वजह ये है कि हमें अच्छे से टमाटर सीखा के 2-3 टमाटर उसने गले में डाल दिए, जो कि हर टमाटर वाला खाता है। ना तो कढ़ाई बन रही है, ना बिरयानी बन रही है, पुलाव बन रहा है। तो अब वहां पर तकरीबन सारे काम स्टार्ट हो गए थे, पुदीना हरा धनिया कटना स्टार्ट हो गया था। अब चूल्हे की जो साइडिंग करनी थी, तो इस हट के अंदर पहले जब हम आया करते थे तो वहां पर बड़ा खूबसूरत मतलब ये हिस्सा बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर लोगों की ना आने की वजह से और बहुत ज्यादा खंडर हो चुका है। लेकिन हमें चूल्हे की जगह बहुत अच्छी मिल गई यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम चूल्हे की सेटिंग कर रहे हैं और इसमें टी वगैरह और क्लिप वगैरह लगा दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि पुलाव बनने में अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है कि गैस वगैरह निकल जाए तो पुलाव सबको पता है कि बेकार हो जाएगा सब। तो इसलिए हमने प्रॉपर सेटिंग करी है। तो सारे लड़के लग गए थे, उबैद भाई, मैं, सफाज भाई और शारिक। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने सिकरी की सेटिंग तकरीबन हमने फाइनल कर दी थी, बस फाइनल टेस्टिंग करनी थी क्योंकि हमें स्क्रू वगैरह टाइट करने थे ताकि ऐसा ना हो कि सिलेंडर ऑन करें और पाइप निकल जाए और फिर बड़ा मसला हो जाए। तो इसी के साथ साथ हमने इंग्रेडिएंट की सेटिंग कर ली और हम चलते हैं टमाटर की तरफ, क्योंकि टमाटर भी कट रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त काटा डोर, वो गाड़ी के अंदर। क्या बात है भाई, गाड़ी में जाके सीधे हाथ पे। क्या बात है, जबरदस्त पूरा बैग रखा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह देख रहे हो कितनी खतरनाक है, लेकिन पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। आप जब नीचे आके देखोगे ना, बहुत क्लास का पॉइंट है। बस जगह थोड़ी ये हाथ है, ये हमसे फिर वही है ना यार, आराम से। तो आप देख सकते हैं क्या पकड़ लिया उस्ताद ने। ये क्या है चाचा? हाँ ना, सब खड्डा है, ये पानी ना ले रहा है ना, ये कोका के खड्डे में बैठे। सही में इनको कही क्या है चाचा? केकड़े तो चाचा खड्डे में, बताना हमारे काम बताना का। सही है, सही है, सही है। अब इनको बोल दीजिए अंकल, बोल दीजिए टाइट कर देंगे, ये वहां तक जाएंगे। और ये बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है बच्चों, थोड़ा करीब आ जाओ बेटा। अरे बच्चे मजा आ रहा है, ये भी पानी 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 नहीं उछालो। देखो बच्चे, आप देख सकते हैं यहाँ पे तैर रहे हैं फुल, बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। और भाई मजा आ रहा है तुम लोगों को?
शेयर करें। ओए क्या तैर रहा लड़का ना, जबरदस्त भाई जबरदस्त। चिल्वे भाई चिल्वे नजर आ रहा भाई, चिल्वे कहाँ कहाँ है, बहुत सारे थे, बहुत सारे थे क्या, चिल्वे हैं भाई चिल्वे, देख लिए यहाँ पर। ओ ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे अबे ये रे भाई ये रहा, भगा दिया गधा बुरा, बहुत जल्दी नजर आ गया। आप देख सकते हैं भाई बहुत मजा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हुई है यहाँ पर, बहुत मजा आ रही है। ओ जबरदस्त वही जबरदस्त वही लड़के आते जाने, और ये जुबैर भाई है जो फर्स्ट टाइम हमारे ब्लॉग में आ रहे हो, ये असल में इन्होंने रुमाल इस वजह से लगाया था ताकि इनकी नजर ना लग जाए, नहीं नहीं काला ना हो जाए, काला ना हो जाए। हाँ भाई माज मजा आ रहा है ना, बोले लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शेयर करें ये। तो भाई यहाँ पर हम करने वाले हैं शिकार, शिकार करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं डोरी। क्या कर रहे हो आप दोनों, मट्टी से खेल रहे हो, ओए होए। अरे जबरदस्त यार, देख सकते हो आप माशाल्लाह से कितने जबरदस्त जबरदस्त पत्थर शारी में घूमे यहाँ पर, ये बड़ी प्यारी लग रही है, जबरदस्त। क्योंकि काफी टाइम हो चुका था तो हमने सोचा क्यों ना शिकार किया जाए, तो अयान से हमने कांटे डोरी मंगवाई और अब हम शिकार की थोड़ी तैयारी करें, क्या पता यार यहाँ पर लगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों की आमदोरफ बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे दादू जान मेहनत कर रहे हैं कि मछलियाँ पकड़ी जाए, लेकिन दादू को आइडिया नहीं है कि यहाँ पे मछलियाँ पकड़ना बड़ा मुश्किल है। दादू पकड़ पाओगे मछलियाँ आप? और हमारे करीब करीब आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। माशा से इन्जॉयमेंट देखे उनके चेहरे पे, इन्जॉयमेंट देखे कितनी इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, वैसे इन्जॉय करने का दिल नहीं चाह रहा है इनका। देखे देखे क्या शॉट आ रहा है, क्या शॉट आ रहा है, वाह। एक मिनट बात सुने पप्पा जान, बात सुने, आपका बेटा इतना हैंडसम है, आपको लगता है कि वो मैं आपका ही बेटा हूँ? तो है ही मेरा बेटा ही है, ये हुई ना बात पप्पा की। तो हमने कांटे डोरी ली और चलने से ये ठीक है, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ेंगे और देखते हैं कितनी मछलियाँ पकड़ेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि यार यहाँ पर मछलियाँ हाथ में पकड़ेंगे, तो वो ट्राई करते हैं देखते हैं क्या होता है। वही फाइनली यहाँ पर है ना यखनी बना दिए, और आपने देखा होगा हर जगह लोग कढ़ाई बनाते हैं, कोरमा बनाते हैं, लेकिन पुलाव कोई नहीं बनाता, तो ये आज यहाँ पर पुलाव बना रहा है, जो कि अपना 50 कितने साल का एक्सपीरियंस है अम्मी, 45 साल का एक्सपीरियंस है, और अब चेक करना पड़ेगा ये पुलाव कुछ भी, तो बड़ी जबरदस्त आ रही है यखनी की, और अब फाइनल देखते हैं। चले भाई जल्दी से आओ, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी अवश्य माशाल्लाह से चेक कर सकते हो आप, जबरदस्त किस्म का। तो भाई ये तकरीबन चलेगा नहीं, 7 किलो है, जबरदस्त भाई जबरदस्त, क्या बात है भाई क्या बात है, जबरदस्त दम तो वीआईपी हो गया, खुशबू भी बड़ी जबरदस्त आ रही है, और यकीनन आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा खाने का, तो आप लोग तो फिर कमेंट करके बताए। उमर भूख लग रही है क्या है, वही बच्चों को लग रही है भूख, और अभी बज रहे हैं 11 और सॉरी 11:30 बज रहे हैं, हाँ 11:30 बज रहे हैं, और इंशाल्लाह भी खाना स्टार्ट करेंगे 12 बजे। बात करूँ महीना ये ना खाना, अब दोबारा तुम लगेगा सही है सही है, खाने और इंशाल्लाह आपको भी खिलाएंगे दिखाएंगे सोई, और बस तकरीबन हमारे सारे लड़के आ चुके हैं, और बस यही है सीन, और आपको हम दिखाते हैं कि हम किस पॉइंट पर आए, पॉइंट का नाम तो मैं अभी नहीं बताने वाला, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट दिखाऊंगा कि पॉइंट कितना खूबसूरत है, आपका भाई भी खूबसूरत है वैसे, ऐसी कोई बात नहीं। पॉइंट है यहाँ पर बंदा है ना
बस अगर समंदर में चले हैं ना तो उसका दिल ही ना करे। यहाँ ना बंदा है ना बंदे की जात है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। और यहाँ पर सच बताऊँ ना बहुत ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ पर आने के बाद है ना दिल ही ना करे। तो भाई थोड़ी सी जगह डिफिकल्ट है लेकिन यार सी साइड मतलब ये जगह ऐसी है, हम जितने आगे जाएंगे ना कोई इशू नहीं है ना कोई पानी तेज है। जैसे होते पे सुनने में आ रहा था कि यार पानी इतना तेज है तो यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है भाई। ये बच्चा है ना, ये बच्चे को देख रहे हो ना, ये बच्चा इतना आगे तक जा रहा था। मैं आपको कैमरा भी लेके जाऊंगा कि कहाँ तक हम लोग जा रहे थे। और बिल्कुल बिल्कुल अभी नहीं बाद में जाएंगे। देखो ये बच्चा इतना एक्साइटेड है लेकिन असल में हमें खाना खाना है, खाना खाने के बाद हम फिर दोबारा जाएंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी जगह, और यहाँ पर हट भी है और मजे की बात यहाँ पर मीठा पानी भी है भाई। मीठे पानी के साथ यहाँ पर वॉशरूम भी है और बहुत ही सस्ता और रिजनेबल प्राइस है। और यहाँ पर मस्जिद भी है, यहाँ पर आप नमाज भी पढ़ सकते हो और यहाँ पर हट्स भी बन रहे हैं। तो अभी तो खैर इतनी ज़्यादा यहाँ पर आमदरफ्त नहीं हुई है लेकिन आपके भाई ने बहुत टाइट साइल निकाला है। क्या मोहम्मद क्या बोलता है, इतने दूर तक गए तुम लेकिन कोई पानी तेज नहीं था, आराम से नहा रहे थे, मज़ा आ रहा था। तो ये हमारे मोहम्मद भाई हैं, आप जानते हैं, ये हमारे कैमरामैन भी और हमारे साथ रहते हैं। ये अभी थोड़े से ब्लैक हो रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, असल में धूप बहुत तेज हो रही है मौसम है। तो यही है हमारे, थोड़ा इंटरव्यू देना चाहेंगे आपको। मछली पकड़ लिया आपने हाथ से, क्या मतलब कैसे पकड़ लिया आपने हाथ से मछली? उन्हें पाई पकड़ी। कौन सी मछली थी वो? पता नहीं कैसी थी, कितनी बड़ी थी मछली पकड़ी थी ना? और सही है। और ये देखो हमारे सारे बच्चे भाई, ये देखो सीपिया बच्चों ने सीपिया को जमा करी है। और ये देखो इमाद के मामू ने भी सीपिया लेकर आए, ओए जबरदस्त भाई जबरदस्त, ये सीपिया चार रखी है जबरदस्त। तो भाई बच्चों ने कमाल की चीजें जमा करी है और ये घर पे बेचेंगे सेल के साथ 50 रुपए की सीपी। क्या बात है भाई जबरदस्त। एक में कीड़ा भी है इमाद? इसमें नहीं एक में था, मैंने जो मम्मा को दिए हाँ। दो दिए मैंने, इसमें वो मेरे पास है, दो आपके मेरे अच्छा आपके अलग है वो? अच्छा अच्छा चलो भाई चलो। तो बस अब खाने का इंतजार कर रहे हैं, दम हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ वेट है दम खुलने का। और ये कांच के आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलाव हमारा रेडी हो चुका है, तसलों को साफ किया जा रहा है। तो नबील भाई जी भाई सबसे ज्यादा मेहनत है, जो कहते हैं ना कि जो प्रोग्राम की जान है तो हमारे नबील भाई है, तो इनकी बदौलत ही ये प्रोग्राम दे पाया। और यही जगह जो है ना बताने वाली, ये जगह जो मैं ना आपको आखिरी में बताऊंगा, और इस जगह के ऊपर ले जाने वाले भी हमारे नबील भाई हैं। तो शाम से है ना ये कामों में लगे हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलाव, ये तो आपको सिर्फ पुलाव दिख रहा है, इसके बैक पर जो मेहनत है ना वो नबील भाई जानते हैं, उनके साथ थोड़ा सा मैंने भी करवा लिया था लेकिन मैं तो फिर वीडियो में चक्कर में लगाऊंगा। लेकिन कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और यहाँ पर अभी तस्वीरें लगा दी है, वहाँ पर बच्चे बैठ चुके हैं, फैमिली ना है, वहाँ पर बच्चे बैठ चुके हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बस अब जल्द से जल्द हम प्लाव लगाने वाले क्योंकि भूख की शिद्दत है ना वो बढ़ती जा रही है। क्या बोलते हो जुबैर, भूख तो लग रही है ना? भूख तो बहुत तेज लग रही है। और इवाद आपको भी भूख लग रही होगी? तो भाई सब बच्चों को भूख लग रही है, फसलों को सुखा दिया गया है, इनशाला हम आपको बिरयानी निकालते हुए दिखाएंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा। तो हम भगोने को वहां पर लेकर जाएंगे जहाँ से हमें निकालना है। चलो उबैद भाई हमारे साथ आ गए हैं और इस खुशबूदार पुलाव का मजा आप खाने के बाद ही हम बताएंगे आपको कैसा लगा। तो भाई फाइनली पहला तसला निकलने जा रहा है, वो शाबाश है भाई, बोटियां तो फुल गल गई है। सुभान अल्लाह क्या खुशबू है भाई, क्या खुशबू है, क्या बात है जबरदस्त। सुभान अल्लाह कहां से स्टार्ट करना है? पहुंचा 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 पहुंचा। सुभान अल्लाह क्या बात है, चिकन पुलाव मेरा भाई, चिकन पुलाव एकदम। चलो बेटा चलो बेटा चलो बेटा, भूख लग रही है शिराज भाई को, जल्दी से पहुंचा बेटा, मां जल्दी से, भूख के लिए तरस रहे हैं। मैं समझ गया, एक बार शाबाश मेरे बच्चे, लॉकडाउन तो बच्चों जुबैद भाई ने भी थोड़ा सा काम करा है भाई। उबैद चाचू को प्लेटों में तो इससे निकालने, सब्जी से क्या कहते हैं बेटा? ये बेटा हमारे इसको कुरैसी कुरैसी है, ये हमारे अयान कुरैसी, अयान कुरैसी। तो ये पहला बाइट खाने वाले हैं, चिकन और बीट राइस। क्या बात है, मजा आ गया जबरदस्त।
कमाल कर दिया अम्मी आपने। अस्सलाम वालेकुम। और बच्चा पार्टी क्या कर रहे हो? ओ भाई साहब कितना कर रहे हो? ओ माय गॉड, ओ इन बच्चों के बाकी खाने वाले जो बैठे तो हमारा दिन बहुत जबरदस्त गुजरा और बहुत मजा आया इस जगह पर। और थोड़ी स्विमिंग वगैरह करी, थोड़े कैच वगैरह पकड़े, ये लास्ट का टाइम था। आप समझ लें तकरीबन 3:30-4 बज रहे हैं और जाके चाय वगैरह पियेंगे, पकौड़े शकोड़े खाएंगे और फिर घर की तरफ निकलेंगे। तो यार ये पॉइंट जो है ना, ये पुखाड़ा का पॉइंट है जो कि मैंने कहा था कि मैं आखिरी में रिवील करूंगा, जो कि जहाँ पर शिप करते हैं। आपने देखा होगा कि शिप है साइड में, लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस बता दूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा राइट साइड पर एक खड्डा है शिप का, तो वहां पर थोड़ा सा हमारे साथ एक बैड सीन हो गया था, लेकिन खैर अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें।